बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आओ आज हम इन मात्राओं का प्रयोग सीखते हैं। इन्हें व्यंजन वर्णों के साथ जोड़कर कैसे प्रयोग किया जाता है वो जानते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो पहले हम आ की मात्रा से शुरू करेंगे और इसके लिए हम पहले व्यंजन वर्ण का पहला अक्षर क लिखेंगे। क प्लस आ की मात्रा इक्वल क्या बन गया बच्चों? का है ना। क प्लस आ की मात्रा इक्वल का। अभी अगर इस का से कोई शब्द बनाना हो तो हम इसके साथ अनेक व्यंजन वर्ण जोड़ सकते हैं या फिर दो किसी भी व्यंजन वर्ण को जोड़ सकते हैं और जोड़कर एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। जैसे कि का म काम है ना। तो ठीक उसी तरह से हम ख को आ की मात्रा के साथ जोड़ेंगे। ये है व्यंजन वर्ण का दूसरा अक्षर खा ख। ख प्लस आ की मात्रा इक्वल टू क्या बन गया बच्चों? हाँ, क्या बन गया? ये बन गया खा। ठीक है, ख प्लस आ की मात्रा इक्वल खा। अभी अगर हमें इस खा से कुछ अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो तो हम इसके साथ ठीक इसी की तरह व्यंजन वर्ण का कोई भी अक्षर लाकर जोड़कर एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। जैसे कि खास। ठीक है, तो आओ अब हम व्यंजन वर्ण के तीसरे अक्षर ग को आ की मात्रा के साथ जोड़ते हैं। ग प्लस आ की मात्रा इक्वल टू गा। ठीक है, अगर हमें बाकी दो अक्षरों की तरह ऐसे शब्द बनाना है तो इसे भी हमें कोई एक व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ना होगा। जैसे कि गाव। ठीक है बच्चों, आज मैंने ये तीन आप लोगों को जोड़कर दिखा दिए। बच्चे घ और ङ अभी आप लोगों को ये दो व्यंजन मुझे आ की मात्रा के साथ जोड़कर दिखाना है और यही है आज का आप लोगों का होमवर्क।